मुझको लगता है कि बॉलीवुड के अंदर ये टाइम भी दूर नहीं है कि कुछ ऐसे नाम की मूवी बनेगी, पिंटू और रिंकी की प्रेम कहानी। बात तो सही है। हाय एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो कुछ देर पहले ही यूट्यूब के ऊपर अपकमिंग इंडियन रोमांटिक फैमिली ड्रामा मूवी यानी कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जो है उसका एक ऑफिशियल टीजर को रिलीज कर दिया गया है, जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं करण जौहर। तो उसके टीजर को लेके मेरे क्या ओपिनियंस हैं और फैंस इस मूवी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखें। तो इस वीडियो को और देर ना करते हुए चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की सबसे खास बात के बारे में, जो कि है इसकी कास्ट। क्योंकि इसमें आपको रणवीर सिंह देखने को मिलने वाले हैं, आलिया भट्ट देखने को मिलने वाली है, जिनको हम लोग इससे पहले गली बॉय में देख चुके हैं, जहाँ पे ऑडियंस ने इनकी केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया था। इसके साथ में आपको देखने को मिलने वाले धर्मेंद्र जी, साथ में आपको देखने को मिलने वाले जया बच्चन, और इसके साथ में आपको देखने को मिलने वाली शबाना आजमी। तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो इसकी कास्टिंग है और जिस तरीके के एक्टर्स को लिया गया है वो आपको एक्टिंग वाइज डिसअपॉइंट नहीं करने वाले। अब अगर बात करें टीजर के बारे में, तो जो स्टोरी इसके टीजर को देख के समझ में आती है वो ये कि आपको इसके अंदर लव, रोमांस, हार्ट ब्रेक, फैमिली ड्रामा, इमोशंस, हैप्पी एंडिंग, बहुत सारे गाने, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा जैसा आपको नॉर्मली एक करण जौहर की टिपिकल मूवी में देखने को मिलता है। इसके बाद अगर बात करें इस टीजर की कलर ग्रेडिंग के बारे में, काफी हद तक इसके जो कलर्स हैं वो एकदम सैचुरेट रखे गए हैं, कलर्स काफी ज्यादा वाइब्रेंट लग रहे हैं। जिस तरीके से थीम रखी गई है वो उस टाइप की है जो कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करने वाली है, और साथ में इस बात की तो गारंटी है कि इसके अंदर आपको बहुत सारे गाने सुनने को मिलने वाले हैं, और लिटरली इसके गाने ऐसे होने वाले हैं जो कि आप लोगों की प्लेलिस्ट में जाने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके का गाना अभी भी टीजर के बैकग्राउंड में चल रहा था, डेफिनेटली वो उसको हाइप अप करता है, वो बहुत अच्छे से उस सिचुएशन के साथ सूट कर रहा है। और अब अगर बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में यानी कि करण जौहर के बारे में, जिनसे मेरे ओपिनियंस बिल्कुल भी मैच नहीं करते, बट अगर बात करें उनकी लास्ट डायरेक्टेड मूवी के बारे में जो कि ऐ दिल है मुश्किल, मुझे पर्सनली मूवी काफी ज्यादा पसंद आती है, और मुझे लगता है कि उनको ये पता है कि ऑडियंस के इमोशन को कैसे हिट करना है, तो एज डायरेक्टर मुझे लगता है वो यहाँ भी वो काम करने वाले हैं। अभी इस टीजर को देख के इससे ज्यादा कुछ भी कमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये मूवी कैसा डिलीवर करती है और क्या करण जौहर की डायरेक्शन और रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की केमिस्ट्री पर फिर से कमाल कर पाएगी, वो देखने वाली बात होगी, जिसके लिए आपको और मेरे को 28 जुलाई तक का वेट करना पड़ेगा, जब ये मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। तो ये थे मेरे ओपिनियंस और मेरे थॉट्स अबाउट द टीजर ऑफ रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, जिसको अगर आप लोगों ने चेक कर लिया है आपको ये कैसा लगा और आपके क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन मेंशन करना मत भूलना। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहां तक देखा और आपको वीडियो पसंद आई, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दो, और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा लाइव 33।